सदर जिला कलेक्टर व बलदेव उस्मा के कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक इतवारा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब राव निरवाड़े और उनके हमरा फायर ऑफिसर रईस पाशा और उनकी टीम ने पेट्रोलिंग करते हुए लोगों से बार बार अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। इस तरह माइक के जरिए से मुतल्लिका जिम्मेदारान ने लोगों से अपील की कि वो अपनी दुकानों व दीगर तजारती मराकज को बंद करें। इसी तरह शहर के बेशतर इलाकाजात में 5 बजे के बाद भी कई अफराद ने अपनी दुकानें व तजारती मराकज को खुला रखा, जिस पर बलदेव उस्मा और इतवारा पुलिस अफसरान के अमले ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील किया, जिसमें शहर की खुजा कॉलोनी, नेकलिस रोड, गुलशन नगर, मालटेकरी रोड इलाके की दुकानों पर पुलिस अफसरान व बलदेव उस्मा के अमले ने कार्रवाई करते हुए इन्हें सील किया। इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर आज रोजी पुलिस प्रशासन, महानगरपालिकाचे अधिकारी, जप्ती पथक सायंकाळी 4 वाजल्यापासून आम्ही पोस्ट हद्दीत पेट्रोलिंग करून सर्व जनतेला लॉकडाऊनच्या किंवा संचारबंदीची कोविडची माहिती सांगून वारंवार सूचना दिल्या व आमचे अलाउन्सिंग सुद्धा केलेली आहे। त्या अनुषंगानं जनजागृती म्हणून किंवा लोकाला चांगला संदेश जावा, कोविडाची लागण होऊ नये याच्यासाठी आम्ही आज एकत्र पथक फिरून आम्ही 3 दुकानं, एक मालटेकडी भागात, एक नेकलेस रोडला व खोजा कॉलनीमध्ये जे 5च्यानंतर दुकान चालू होते 3 दुकान त्यांना सील केलेले आहे। याच्यानंतर आता जो कोणी 5च्यानंतर दुकानं चालू ठेवील, रस्त्यावर गाडा दिसेल किंवा विदाऊट मास्क फिरेल त्याच्यावर आम्ही संयुक्त प्रमाणे कारवाई करत आहोत। माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, माननीय आयुक्त महोदय यांच्या आदेशानुसार पथक, इतवारा पथक जे आम्ही लॉकडाऊनमध्ये जे 5च्यानंतर दुकाने चालू असतात त्यांना बंद करण्याचे आवाहन इतवारा पुलिस माननीय नरवडे साहेबाच्या सोबत पूर्ण पथक हे फिरले। फिरल्यानंतर कोविडबद्दल पूर्ण माहिती दिली, त्यानंतर जे दुकानं होते त्यांना बंद करण्याचीही सूचना देत होतो। त्यामध्ये खोजा कॉलनी ते 1 दुकान, निकलीस रोडवर 1 दुकान और गुलशन नगरमध्ये 1 दुकान सील करण्यात आले। हां बस।